संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। संस्कृत में हमने संज्ञा प्रकरण के बारे में थोड़ा सा जाना। आज हम थोड़े से संस्कृत संज्ञा प्रकरण में कुछ सूत्रों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, संज्ञा प्रकरण में आज हम अव्यय संज्ञा किन किन की होती है वो जानेंगे। अव्यय संज्ञा से संबंधित लगभग 5 सूत्रों का प्रयोग किया गया है। मैं कोशिश करूंगा उन 5 सूत्रों को क्रम से देने का। तो यहां पहला सूत्र ले लेते हैं, स्वरादि निपातम। ठीक है, एक ये सूत्र है सबसे पहला अव्यय संज्ञा का। इसको थोड़ा सा खंड करके देख लेते हैं, स्वरादि निपातम व्ययम्। स्वरादि निपातम अव्ययम्। ठीक है, एक थोड़ा सा ध्यान देंगे एकदम बातें साफ हो जाएंगी, इसमें कुछ नहीं है। ये छोटी सी बात है, स्वर आदि आदि जो शब्द लगा हुआ है वो सीधे दर्शा रहा है कि स्वर से तो शुरू होते हैं, उसमें और भी कोई ना कोई शब्द अवश्य रहे होंगे। तो यहां एक गण है, स्वरादि गण माना जाता है। ये गण पाठ भी बनाया है पाणिनि जी ने, तो उसमें गण पाठ में पढ़ा गया है स्वरादि गण। इसमें बहुत सारे शब्दों का समूह बनाया गया है, ये स्वरादि गण बहुत सारे इसमें शब्द हैं, उन सभी शब्दों की अव्यय संज्ञा होती है। उदाहरण के तौर पर एक दो देख लेते हैं, जैसे स्वर है, प्रातर है, इस तरह के जो शब्द हैं वो स्वरादि गण में, स्वरादि के उस स्वर शब्द पहले पढ़ा गया है, इसलिए इसी शब्द को लेकर के स्वरादि गण के नाम से बना दिया गया है। तो स्वरादि गण में पठित शब्दों की, ठीक है, इतना अर्थ है इसका। दूसरा देखिए, निपात, निपात निपात है, निपात में भी शब्द हैं, जैसे चा है, हा है, वा है, इस तरह के जो हम अक्षरों को थोड़ा सा इसमें हम पढ़ते भी हैं, शब्दों को अक्षर नहीं बोलेंगे, इनको बेसगी अक्षर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये शब्द हैं। ठीक है, इन सब की क्या हो जाती है, अव्यय संज्ञा हो जाती है। अब ये जो शब्द हैं, तो यहां पर इसका क्या तात्पर्य हुआ, यहां का सीधा तात्पर्य हुआ संज्ञा। बस इस सूत्र को याद रखना, जब भी पूछ लिया जाए स्वरादि निपातम अव्ययम से क्या होता है, तो स्वरादि निपातम अव्यय एक अव्यय को बनाने अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र है। स्वरादि गण में पठित शब्दों की और निपातों की अव्यय संज्ञा होती है स्वरादि निपातम अव्यय इस सूत्र के द्वारा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बस इसमें छोटी सी बात है, कुछ नहीं याद करना है। स्वरादि अलग है, निपातम अलग है और अव्यय अलग है। अव्यय संज्ञा होती है स्वरादि और निपातों की। ठीक, चलिए अब हम अगले सूत्र पर चलते हैं। सूत्र को हम यहीं रहने देंगे जिससे कि आपको ध्यान रहे कौन से सूत्र से होता है। अगला है तद्धितश्च असर्व विभक्ति। ठीक है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तद्धित असर्व विभक्ति, तद्धित मतलब ये प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय है ना, तो ये प्रत्यय है। असर्व विभक्ति का सीधा तात्पर्य है वे शब्द जिनका सारी विभक्ति है जिनसे उत्पन्न ना होती हो, अर्थात वे शब्द जिनकी सभी विभक्तियों रूप ना चलते हों। जैसे तथा है, तत्र है ना, तदा है, विना है, इस तरह के जो शब्द हैं उनकी भी अव्यय संज्ञा हो जाती है। अब ये कभी आ जाए कि इनकी अव्यय संज्ञा होती है तो किस सूत्र से होती है, तो हमको याद रखना है
तद्धितश्च सर्व विभक्ति, किससे? तद्धितश्च सर्व विभक्ति, तद्धित प्रत्ययंत जो शब्द हैं उनकी अव्यय संज्ञा करने वाला ये संज्ञा सूत्र है। ठीक है, जो संज्ञा प्रकरण चल रहा है तो इसमें याद रखना, इसमें सिर्फ संज्ञा सूत्रों के ही बारे में बताया जा रहा है। इसमें मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि समझाने के लिए कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है तद्धित प्रत्ययंत जो शब्द हैं जिनकी सारी विभक्तियों में रूप नहीं चलते उन शब्दों की अव्यय संज्ञा हो जाती है। तो तत्ता है, तत्र है, तदा है, बिना है, इस तरह के जो शब्द हैं उनकी अव्यय संज्ञा हो जाती है। चलिए, किरण्ये जन्तः, ये बहुत सुना होगा आपने, इसके खंड देख लेते हैं थोड़े से करके। कृत मेजंत है ना, कृत क्या है? कृत हमने जानते हैं कि कृत प्रत्यय है, जैसे तद्धित प्रत्यय था ऐसे ये कृत प्रत्यय भी है। मेजंत दो शब्दों से मिलकर बना है, मकारांत और एजंत। ऐसे कृत प्रत्यय जो मकारांत हो अर्थात जिनको अनुबंध करने पर केवल मां बचे, वो शब्द और एजंत शब्द, एजंत का मतलब ए और आई जिनके आए हैं, ऐसे प्रत्ययों से युक्त शब्दों की, याद रखना ये प्रत्ययों की कभी अव्यय संज्ञा नहीं होती, उनसे युक्त जब शब्द बन जाते हैं उनसे लगकर 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 के, तब उन शब्दों की अव्यय संज्ञा होती है। किससे होती है? कृमे जनता, इस सूत्र के द्वारा कृत प्रत्यांत जो मकारांत और एजंत प्रत्यय हैं उनसे युक्त जो शब्द हैं उनकी अव्यय संज्ञा हो जाएगी। देखिए थोड़ा सा यहां बताता चलूं, मकारांत जो शब्द हैं, मकारांत शब्द ही बोले, मकारांत प्रत्यय, ठीक है, मकारांत प्रत्यय जो है वो चार हैं। कौन कौन से हैं? रमुल है, कमुल है, खमुई है और तुमुल है। ठीक, हमने अणमुल और तुमुल के बारे में तो अच्छे से जाना है, जब इनके अनुबंध लगता है तो तुम मां बचा, मकारांत बचता है, मां बचता है इसमें, है ना, खाय तुम, पट तुम, गन तुम, ऐसे करके इसका प्रयोग किए जाते हैं। तो इनकी, इन चारों प्रत्ययों से युक्त शब्दों की क्या हो जाती है? अव्यय संज्ञा हो जाती है, क्रन मे जनता, इस सूत्र के द्वारा। एजंत जो है वो 20 हैं, एजंत कितने हैं? 20 शब्द हैं, ठीक है ना, जैसे से शब्द है, से प्रत्यय है ना, से है, कसे है, सैन है, सैन है, है ना, इस तरह के जो प्रत्यांत हैं, जो प्रत्यय हैं उनसे युक्त जो शब्द होते हैं उन सब की अव्यय संज्ञा हो जाती है कृमे जनता, इस सूत्र के द्वारा। बस जब प्रत्यय समझेंगे तब ये बात समझ आएंगी, अभी तो आपको ये बातें उम्मीद है कि समझ में नहीं आएंगी, बस आपको याद रखना है इन सूत्रों का। जब ये सूत्र याद रहेंगे तो जब प्रत्ययों के बारे में जब कभी आ जाए कि पट तुम अगर दे दिया कभी तो पूछ लिया इसकी संज्ञा क्या होगी, तो याद रखना इस सूत्र के द्वारा, या किस सूत्र के द्वारा होगी उसकी अव्यय संज्ञा, तब वो काम देगा कि कृमे जनता हमने एक सूत्र पढ़ा था उसके द्वारा इसकी अव्यय संज्ञा हो जाएगी। अधिक डिटेल में जाएंगे, अधिक विस्तृत में जाएंगे तो ये भी हमारे समझ में नहीं आएगा, वो आगे आने वाले समय में कभी समय मिलता था, लेकिन इतना गहन अध्ययन हमारे कभी भी प्रत्ययों का भी हमारे विषय के अंतर्गत नहीं आता। तो ये जो कृमे जनता है इसके द्वारा ध्यान रखना, कृत प्रत्यय, मकारांत और एजंत जो प्रत्यय हैं, मकारांत चार हैं, णमुल, कमुल, खमुई, तुमुन, और एजंत 20 हैं, से, कसे, कसेन, सेन, इस तरह के, उन सभी से युक्त शब्दों की अव्यय संज्ञा हो जाती है। चलिए हम अगले सूत्र पर चलते हैं, चौथा है कत्वा तो सुन कसुना। ठीक है, सीधे कत्वा
तूसुन और कसुन, ये जो प्रत्यय हैं इनसे युक्त शब्दों की, जैसे गत्वा होता है, खादित्वा होता है, पीत्वा होती है, ये जो शब्द हैं उन सब की अभ्य संज्ञा हो जाएगी। जब पूछ लिया जाए कि पीत्वा, पीत्वा शब्द दे दिया और पूछ लिया इसमें अभ्य संज्ञा है किस सूत्र के द्वारा है, तब याद आएगा कत्वा तोसुन कसुन, इस सूत्र के द्वारा उसकी अभ्य संज्ञा हो जाएगी। बहुत सरल है, इसलिए मैंने पांचों को एक साथ ले लिया, अभ्य संज्ञा समाप्ति हो जाएगा लगभग। और थोड़ा थोड़ा इसको एक दोबारा अगर देखेंगे तो वो दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, फिर भूलने की जो दिमाग की व्यवस्था है वो धीमे धीमे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे जब वो चीज रिमाइंड होती है, बार बार याद आती है, तो फिर वो स्थायी हो जाती है मस्तिष्क में। तो कत्वा तोसुन कसुन सूत्र के द्वारा याद रखना, तोसुन कसुन वेदों में प्रयोग किए जाते हैं, कत्वा लौकिक संस्कृत में, वैदिक में, दोनों जगह प्रयोग किया जाता है, इनकी इनसे युक्त शब्दों की अभ्य संज्ञा हो जाती है। ठीक है, चलिए अब हम अगला एक सूत्र और ले लेते हैं, अव्ययी भावश्च, ये भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अव्ययी भावश्च बोलता है, अव्ययी जो समास है, अव्यय भाव जो समास हमने अध्ययन किए हैं, अव्यय भाव समास के अंतर्गत आने वाले जो शब्द हैं उनकी भी अव्यय संज्ञा हो जाती है। अभिभावस सूत्र के द्वारा अव्यय के अंतर्गत पढ़े जाने वाले, अव्यय के अंतर्गत आने वाले, अव्यय भाव समास के अंतर्गत आने वाले शब्दों की अव्यय संज्ञा हो जाती है। किस सूत्र के द्वारा? अभिभावश्च, इस सूत्र के द्वारा। इसमें हम उदाहरण देखें, आदि हरि है ना, यह हमने पढ़ाई है, अध्यात्मम है, प्रत्याग्नि है, इस तरह के जो शब्द हैं याद रखना, शब्द ऐसे हैं कुछ जो अभिभाव समास में आते हैं तो अभिभाव संज्ञा हो जाती है, लेकिन अभिभाव समास से अलग, जैसे हरि शब्द है, हरि शब्द की अभ्य संज्ञा नहीं हो सकती, है ना। अध्यात्मम आ गया, प्रत्याग्नि अगर अलग अग्नि हो जाए तो उसकी अभ्य संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि इनके अभ्य भाव विभाव समास के अंतर्गत पड़े गए हैं, समझे गए हैं, विभाव समास हो गया है, इसलिए इनकी अभ्य संज्ञा हो जाएगी। हरौ इति, आत्मनि अधि, अग्निम प्रति, इस तरह से इनकी व्याख्या की जाती है। हालांकि ये नित्य समास होते हैं, इनका कभी विग्रह नहीं होता, परंतु अपनी सुविधा के लिए इसका विग्रह हम इस तरह से कर लेते हैं, लौकिक विग्रह नहीं होता। किसी भी कुछ समास जो नित्य समास लगा होता है उसका लौकिक विग्रह नहीं होता, अलौकिक विग्रह तो सभी का होता है। ठीक है, वो लौकिक अलौकिक क्या होते हैं वो बाद में जानेंगे, कभी समास शुरू किए तो। तो हमने आज पांच सूत्रों के बारे में थोड़ा सा जाना, स्वरादि निपातम अभ्यम, तद्धितश्च सर्व विभक्ति। अब स्वरादि निपातम अभ्यम में हमने जाना कि स्वरादि गण में पठित शब्दों की और निपातों की अभ्य संज्ञा हो जाती है। तद्धितश्च असर्व विभक्ति के अंतर्गत हमने जाना तद्धित प्रत्यांत कुछ शब्द हैं जिनको सभी विभक्तियों में जिनके रूप नहीं चलते उनकी भी अभ्य संज्ञा हो जाती है। क्रमी जनता में हमने जाना कृत प्रत्यांत मेजंत मकारांत और एजंत जो शब्द प्रत्यय हैं उनसे युक्त जो शब्द होते हैं उनकी भी अभ्य संज्ञा हो जाती है। कत्वा तोसुन कसुन सूत्र के द्वारा कत्व प्रत्यय और तोसुन और कुसुन प्रत्यांत जो शब्द हैं उनकी भी अभ्य संज्ञा हो जाती है। अभिभावश्च इस सूत्र के द्वारा अभिभाव समास के अंतर्गत आने वाले जो शब्द हैं उनकी भी अभ्य संज्ञा हो जाती है। उम्मीद है अभ्य संज्ञा के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी इसमें प्राप्त हुई होगी, क्योंकि मैं इनको स्वरादि जो गण है उनको पूरा विस्तृत नहीं समझा सकता। और जैसे इसमें है कृमि जनता में एजंत शब्द 20 हैं, प्रत्यय 20 हैं, उनके 20 के बारे में पूरे विस्तृत अध्ययन नहीं करा सकता, बहुत सारी चीजें होती हैं। केवल हमारा यहाँ मुख्य उद्देश्य है संज्ञा को जानना, उनका नामकरण जानना, बस उसके बारे में अधिक विस्तृत में जानना नहीं है। तो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ प्रयास किया है, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये संज्ञा प्रकरण अच्छे समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।